नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को जलाया। परिवार वालों ने लगाया ड्रेप का आरोप। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश अब लगता है कि अपराध प्रदेश बन गया है। रेप, हत्या, किडनैपिंग जैसी जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में दो दिन से लापता नाबालिग बच्ची का शव नदी के किनारे जला हुआ मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। नाबालिग लड़की की हत्या की गई और उसे छिपाने के लिए शव को जला भी दिया गया। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ पहले रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर शव को जलाया गया। भदोही क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग भैंस चराने खेत में दो दिन पहले गई थी, मगर वापस नहीं आई। परिवार वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई। इस दौरान परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की, मगर कुछ पता नहीं चला। आखिरकार दो दिन बाद नदी के किनारे नाबालिग लड़की का शव मिला। परिवार के लोग नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। सुनिए, इस मामले में वो भैंस चराने गई थी 3 बजे और वहीं से वो गायब हो चुकी है। घर दोबारा वापस नहीं आई और वो भट्टे वाले का ही काम है। वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर तेजाब डाल के। क्या नाम है उस साहब लाल है, शैलेंद्र और रणजीत सिंह। बेटी जो है वो भैंस चराने गई थी करीब 2:30-3 बजे के लगभग और फिर वो लौट के वापस नहीं आई। इस पर तुरंत ही 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिन लोगों पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कोई और फिर खोजबीन भी की गई। लगातार पुलिस लगी भी रही, कुछ पता नहीं चल पाया था। और आज सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है। घर वालों ने इसकी पहचान की है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाए। बेखौफ यूपी में अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शिकार एक बार फिर 17 वर्षीय नाबालिग हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि क्या नाबालिग से बलात्कार हुआ था या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।